Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are good. I'm back after a long time. So actually we're busy in Diwali cleanup, that's why. Tafgun, I tried to capture some of our moments and to share it with you. So वो बहुत ज़्यादा naughty हो गई है आजकल. You can see बहुत ज़्यादा उसको, she loves to dance. कहीं भी बिठा दो, she loves to dance. Usually we avoid उसको टीवी ना दिखाएं, but she loves to dance on any and everything. Even if you know clap your hands, उस पर भी वो डांस करना शुरू कर देती है. Very active right now, पर उसका teething फेज आ गया है, तो बहुत पेन. रात को वो कम सो पाती है, उसका डाइट थोड़ा सा कम हो गया है, बिकॉज शी इज़ वेरी इरिटेबल, वेरी ईजिली इरिटेटेड. वरना यूजुअली तफगुन इज़ नॉट लाइक दैट. तफगुन इज़ अ वेरी चीयरफुल किड. पापा का सर दबा दो, इन पर्टिकुलर दिस क्लिप उसके डैड को हेडेक हो रहा था. मैंने बोला तफगुन प्रेस योर फादर्स हेड, सो शी वॉज कॉपिंग मी, शी वॉज फॉलोइंग इट. यू कैन सी डॉटर एंड फादर का कुछ अलग ही बॉन्ड होता है. So she was copying me, she was looking at me कि कैसे मैं मैंने किया, मैं भी वैसे ही करूँगा. She was pressing the forehead of her father. I found it very good. So my mom sent some stuff for Karwa Chauth. So मम्मी ने करवा चौथ के लिए साड़ी और कुछ और सामान भी भेजा है. So this is the साड़ी that they have sent for me. तफगुन का न्यू हैबिट, आई गेस दिस इज़ अ माइलस्टोन फॉर 10 months. उसको खुद खाना और खुद दूध पीना, खुद पानी पीना अच्छा लगता है. सो शी पिक्स अप हर सिपर ऑन हर ओन, और अगर हम उसको पिलाते भी हैं तो वो हमसे छीन लेती है और वो खुद पीती है. एंड लुक एट हर, हाउ क्यूट शी लुक्स. दूध भी खुद पीने के लिए बॉटल ले लेती है, पानी भी और खाना भी. सो मैं उसको प्लेट में तोड़ के, या पैनकेक या डोसा जो भी बनाया वो तोड़ के दे देती हूँ. शी यूजुअली ईट्स इट ऑन हर ओन एंड शी लाइक्स इट. एक्चुअली थोड़ा सा वेस्ट ऑब्वियसली करती है, बच्चा है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ यू नो परफेक्शन फ्रॉम देम. अक्का वॉज क्लीनिंग, दिवाली क्लीनिंग, एज आई टोल्ड यू. मेरा ब्लॉग इसलिए लेट है, हम दिवाली क्लीनिंग कर रहे थे, तो अक्का दिवाली क्लीनिंग कर रही थी, पूरे अलमीरा साफ कर रही थी, और तफगुन अलमारी में बैठ गई. शी वॉज नॉट रेडी टू कम आउट, सो शी वॉज एन्जॉइंग इट अ लॉट. उसका पसंद है ऐसे, कहीं भी उसको ऐसे खाली छोड़ दो, वो अपनी मनमर्जी कर सके, चीज़ें बिगाड़े, उसको बहुत पसंद है ये. तो अक्का के सुपरविजन में, ऑब्वियसली हम उसको अकेले नहीं छोड़ते हैं, अक्का के सुपरविजन में हमेशा रहती है. तो वो नहीं होते तो हम होते हैं, जब वो छुट्टी पे होते तो हम ध्यान रखते हैं, हमारा ऑफिस का काम ख़त्म करते हैं या बाद में करते हैं, बट ऑब्वियसली प्रायोरिटी, शी इज़ द प्रायोरिटी, उस पर वाले ध्यान देते हैं हम. शी इज़ नेवर अनअटेंडेड. लुक एट हर, आई टॉट हर टू यू नो से एलेक्सा, एलेक्सा को इंस्ट्रक्शंस कैसे देना. शी वाज़ क्राइंग और वो पागलों की तरह हंसी जा रही है अक्का हमारी. आई फोर्स द कि बोल के दिखाओ, बोलो पूरा, बोलो कनाडा ले नन्ना जोते, बोलो. सो दिवाली क्लीनिंग इज अ पार्ट ऑफ दिवाली क्लीनिंग. हमने सोफा क्लीन कराना था, बिकॉज तफगुन ने उस पर बहुत सारा सुसू, खाना सब कुछ गिरा रखा था. सो वी कॉल्ड अप द गाइस, बहुत सारा, यू गाइस कांट इवन इमेजिन कितना गंदा उसके अंदर से निकला है, सब बिस्किट्स, कुछ रोटी, कुछ 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 खाना जो तफगुन उस पर बैठ के खा लेती थी. एंड उसका सुसू ऑब्वियसली इतना बहुत स्मेली हो गया था, दे क्लीन इट अप थरली. उसको सूखने के लिए पूरा एक दिन लगा, एंड बट वर्थ इट. उसको क्लीन करने के बाद अभी इट इज़ फाइन, और नाउ वी मेक श्योर कि हमने उस पर पूरा सोफे पर ड्राई शीट लगा दिया है, देन वी पुट अ कवर ऑन इट, एंड देन वी अलाउ तफगुन टू सिट ऑन इट. बिकॉज अदरवाइज, क्योंकि मैं पूरे दिन तफगुन को डायपर नहीं पहनाती. आई मेक हर वेयर ड्राई लंगोट्स और मे बी सम अदर काइंड ऑफ कॉटन स्टफ डायपर्स ओनली एट नाइट. सो इट्स ओके, सोफा एंड ऑल कैन बी रिपेयर्ड एंड कैन बी वर्कड अपॉन, बट बच्चे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए. सो फॉर दैट ऐसे हम यू नो मे बी ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर हम उसकी क्लीनिंग करा लिया करेंगे, नॉट अ बिग डील. सो थरली इट गॉट क्लीन्ड, एंड या दिवाली क्लीनिंग इज़ ऑन फुल स्विंग. हम एक एक दिन एक एक काम उठाते हैं, या हर वीकेंड एक काम उठा लेते हैं. ऑल्दो तफगुन्स किचन इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन फुल स्विंग. आई एम एक्सपैंडिंग
सो अभी मैं आसपास के 5 किलोमीटर रेडियस एरिया में भी आई हैव स्टार्टेड डिलीवरिंग. सो आई हैव क्रिएटेड अ फेसबुक पेज ऑल्सो फॉर दैट, सो दैट यू नो पीपल कम टू नो अबाउट एंड कैन ऑर्डर ऑनलाइन ऑल्सो. सो वो सब अभी चल रहा है, साथ में ये भी चल रहा है, साथ में ऑफिस भी चल रहा है. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, बट या एवरीथिंग इज गुड, वी आर एंजॉइंग इट विद अफगुन. सो या तो शाम को तब उनको हम लोग घुमाने के लिए लेके गए थे. एज यूजुअल जब भी हमें टाइम लगता है हम उसको ले जाते हैं. एक्चुअली वी आर प्लानिंग अ वेकेशन तब उनके बर्थडे पर विच इज़ 11th of November. सो फॉर दैट उसके लिए थोड़ी शॉपिंग करनी थी. अब यू कैन सी हर रिएक्शन, शी व्हेनेवर शी यू नो सी अ बेबी और मे बी समबडी यू नो एल्डर टू हर, शी इज लाइक हगिंग देम, टॉकिंग टू देम, बिकॉज़ शी इज़ अ लोकल मोस्ट ऑफ द टाइम. ऑल्दो वी आर देयर बट कोई बच्चा उसके साथ नहीं होता. I just want to go to capture her reaction. And she calls them up. Hey, oh, करके she calls them up कि मुझसे बात करो, मेरे साथ खेलो. Even in the society also she does that. बड़े बच्चों के साथ. See how happy she is. She has learned clapping also. Clapping, clapping, clapping. She's clapping. Clapping, clapping. Woohoo! अब stroller पे वो बैठती नहीं है, वो उस पर खड़े होती है. और खड़े होके उसको अभी actually This is a phase when she will eventually start walking on her own. तो वो खड़े तो obviously independently हो जाती है, बैठ भी जाती है.
ऑल द माइलस्टोन्स आर शी इज अचीविंग, पर उसको स्ट्रोलर में बैठना पसंद नहीं आता है, शी वांट्स टू वॉक, यू कैन सी वो अभी भी खड़ी है। अभी अलेक्सा, तफगुन ने भी अलेक्सा बोलना सीख लिया है, तो तफगुन और अक्का दोनों कनाडा सॉन्ग्स लगाने के लिए ट्राई करे थे एंड फाइनली अक्का ने लगा दिया, बट आई कैन नॉट प्ले दिस यू नो बैकग्राउंड म्यूजिक बिकॉज कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा एंड आई एम टायर्ड ऑफ कॉपीराइट क्लेम्स ऑन माय वीडियोस राइट नाउ। सो अभी मैंने इसको थोड़ा सा म्यूट कर दिया इसीलिए ताकि कॉपीराइट क्लेम नहीं आए, टू बी ऑनेस्ट, अदरवाइज फिर इट वुड बी अ ह्यूज इशू फॉर मी अगेन। सो या दोनों अलेक्सा को दोनों तफगुन ने और अक्का ने दोनों ने अलेक्सा बोलना सीख लिया है और अक्का तो गाने भी चला लेती है। सो दीज आर द मोमेंट्स आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू ऑल एंड दिस इज़ द अपडेट, और जो अपडेट आएगी आई शेयर विद यू एंड गोवा ट्रिप इज ऑन, आई एल शेयर ऑल द वीडियोज विद यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लाइकिंग इट, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय बाय।